माताओं, एक बात याद रखना, यदि हमने अपने बूढ़े माँ बाप को रुलाया है तो हमारी संतानें भी ये सब देख रही हैं। कल हमारा भी दिन आएगा, हम भी बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे, हमारी संतानें जवान होंगी। एक बहू यही करती थी कि अपनी सासू माँ को टूटे हुए खीपरे में रख करके रोटी दिया करती थी, भोजन दिया करती थी। खीपरा जो मटका मिट्टी का होता है, जो फूट जाता है, किसी काम का नहीं होता, उसके टुकड़े से बचते हैं, उस टुकड़े पर ही सूखी सी रोटी रख करके बूढ़ी माँ को दे देती थी। अरे बुढ़ापे में कौन सा इसको घी पिलाए। लोग ऐसे कहते हैं कई बार, अब कौन सा इनको फौज की नौकरी पे जाना। टूटे से खीपरे में रोटी रख करके बूढ़ी सास को दिया करती थी। अब ऐसी रोटी, ऐसा भोजन रूखा सूखा पा करके वो कुछ ही दिनों में बेचारी इस दुनिया से चली गई। अब जब अंतिम संस्कार हो गया तो बहू आई और आकर के उन खीपरों को उठा करके फेंकने जाने लगी कि इनको उठाकर फेंक दूं, अब तो सास रही नहीं, अब इनका क्या काम है। तो तुरंत दौड़कर 10 वर्ष का उसका छोटा बेटा आया। उसने कहा, माँ तुम क्या कर रही हो। उसने कहा, बेटा ये तुम्हारी दादी के ये खीपरे हैं, इसमें रोटी खाया करती थी, भोजन करती थी, अब तुम्हारी दादी नहीं रही तो इनका क्या काम। उसने कहा, माँ इन खीपरों को मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूंगा और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब ये तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब तुम किस में भोजन करोगी। क्योंकि ये छोटा बालक ये नहीं जानता, ये समझता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो भोजन ऐसे ही मिलता है। आज उसकी आंखें खुली, लेकिन अब आंख खुलने का कोई फायदा न था। अब उनके लिए, उनके बीच में उनकी माँ न थी, वो सास न थी। जब तक समय है, हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो समझ लेना सारे तीर्थ हमारे घर में हैं, और जितना भर आशीर्वाद लेना है इनसे ले लीजिए। हम माँ चामड़ को निलाने जाते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, माँ वरदायिनी वर दो, और सच कहूँ तो असली वरदायिनी तो सासू माँ होती है। वर कहते हैं पति को, और दायिनी माने देने वाली, जो वर देती है तुम्हें वो सासू माँ है। अरे इसको प्रसन्न करके वर प्राप्त करो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। एक बाल्टी भर के माँ चामड़ को निलाने सुबह सुबह जाएंगे, और सासू माँ ने कहा, बेटा एक गिलास पानी दे जाओ। कहती, रात को ऐसे क्या खाके सोई थी बुढ़िया, सुबह सुबह प्यास लगी। क्या माँ चामड़ प्रसन्न हो जाएगी, क्या माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। आप सोचो जरा, जब यहां उसको देवी का दर्शन नहीं हुआ तो उस पत्थर की मूर्ति में भी तुझे दर्शन होने वाला नहीं है। असल जीवन को समझो, समझो माँ की ममता को, समझो मातृत्व को, समझो माता पिता की अहमियत को। जब तक वो हैं तब तक उनकी सेवा कर लो, नहीं तो बाद में तो फोटो के सामने रोते रहोगे, याद करोगे। बहुत याद आते हैं जब बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, बहुत याद आते हैं। आज कितने लोग हैं जिनकी माँ है अभी इस धरती पर, वो हाथ खड़ा करें जिनकी मां है। और जिनकी मां नहीं है, जो लोग ऐसा सोचते हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहती हूं, जो ऐसा सोचते हैं कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं है या मेरी मां नहीं रही है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि मां जब तक आप हो तब तक आपकी मां कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं मर सकती। क्योंकि आपके रूप में मां ही तो जिंदा है, आपके रूप में मां ही तो कर्म कर रही है, मां ही तो बोल रही है। आप क्या हो, मां का स्वरूप ही तो हो, आप मां से थोड़े भी भिन्न थोड़ी हो। जब तक हम हैं तब तक हमारी मां हमारे बीच में, हमारे हृदय में, हमारे कर्मों में, हमारी सांसों में, हमारी वाणी में, हर जगह हमारे रूप में हमारी मां ही हो सकती है, यदि समझो तो।